लखनऊ नगरे षटाशत्तम दिवसीय आरक्षी महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलनम सपन्न प्रधानमंत्री सपन सबोधने आरक्षीसंबद्ध घटनाष विश्लेषण से प्रक्रिया संस्थागतणे बल समन्वित प्रविधेह विकासाय अपि प्रवे विकायेष राष्ट्रपति रामनाथकोविंद अदय रक्षा अलंकरण सरोहें भटेभ्य वीरतापुरस्कार सामानिष्येशाए अदम्य साहस प्रदर्शन विशिष्ट सेवा परमशिष्टसेपका अथ अतिशिष्टसेपका प्रदस्य दिल्ली प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण उद्देश्य प्रशासनिक कार्यालय यानम पिद्धानसी अवधि बढ़ाता है। साम्प्रतम नवंबर शढ़ विम्शम दिनांकम यावत कार्यालय यहाँ आवश्यक कार्यालयान विहाय सर्वे प्रशासनिकाहा कार्यालय यहाँ विद्यालय यहाँ अपि पिनधाहा भविष्यंति इति निर्� भारत विंशति प्रतिंशति क्षेत्रक्रीए तृतीय अंतिम चंद न्यूजीलैंड दलम त्रि सप्तति धानाक पराजित तृतीय युता श्रृंखला भी जिता अभिवादय हमस्मी हेमलता अवतागत एक डी डी न्यूज वर्ता अथवा अथ वर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गतने स्वेश विकसित युद्धपोत आई आईएनएस एस विशाखाप्तनम इख्य जलावतरण विहितवान भारतीय नौसेना शक्ति भूयोपी संवर्धय रक्षा मंत्री मुंबईस्थि नौसैनिकंदरगातव संत अध्वंसक पोत युद्धस्थि सम्मुखीकरणे नौसेना क्षमतावर्धने सक्षम अस्म विशाखाप्त श्रेण्या चतर्षु विध्वंसक पोतेषु प्रथम पोत नौसेना औपचारिकूपेण सवेशि रक्षा मंत्री उक्तवान ये भारत अधिकम रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर है कि हमारी नैवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एंडेजनाइज शिप्स और सबमेरिन की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% एओएन तथा 66% तथाट कास्ट बेसिड कॉन्ट्रैक्ट इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% परसेंट नेबल का एंडजनाइजेशन हुआ है इसके अतिरिक्त पिछले पांच फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का दो तिहाई से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया है अत्रवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट मध्यम उक्तवा भारत रक्षाक्षेत्रम आत्मनिर्भरम आत्मनिर्भर विनमत गर्व से आईएनएस अस्त आई एन भारतीय नौसेनाया सवेशि अस्त स्वदेशे विकसी अय पोत अस्माकंत्र भूयोपि सुदृढ़ कैष्यति रक्षा आधुनीकरण से दिशायां अस्मदीया प्रयास सबल प्रवर्तमान सी लखनऊ नगरे ष्पंचाशत्तम दिवसीय आरक्षी महानिदेशक महानिरीक्षक महाशक महानरीक्षक सलन सधानमंत्री कृतवान समापन सम्बोधने प्रधानमंत्री आरक्षी संबद्ध घटनानाम विश्लेषण से प्रक्रिया करने बल प्रदत्तवान आरक्षी बलानाम लाभाय समन्वित प्रविधे है विकासाय अपि सविशेषम उक्तवान युगपदेव प्रधानमंत्रिणा कथितम यत गृहमंत्रिणा नेतृत्व एकम उच्चस्तरीयम आरक्षी प्रविधी समिते संगठन भविष्यति ये भविष्यति काले प्रविधे है प्रयोगे आरक्षिण आवश्यकताया अनुरूप परिवर्तन भवे प्रधानमंत्री उक्तवान यत ड्रोन प्रविधे उपयोग जनानाम लाभाय भवितव्यम आरक्षित नाम समस्या तेन उच्च प्रविधि शिक्षा प्राप्त युनाम संयोजनाय निर्दिष्टवान् येन अ प्रविधि द्वारा समस्या नाम समाधानस या अन्वेषणम राष्ट्रपति रामनाथ राष्ट्रपतिमनाथकोविंद अद राष्ट्रपतिव रक्षा अलंकरण सरोहे भटेभ्य वीरतापुरस्कार अत्र अश्ये सुरक्षा अदम्य साहस से प्रदर्शन कर सैनिके कीर्तिचक्र शौर्यचक्र परम विशिष्ट सेवा पदकानि अथ पदकानि प्रदाते उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से यात्रायामस् अद विशाखाप्तना अराकू पर्यतम एक विशिष्ट रेलयान से शुभारंभ क्य अस्ट रेलयाने एल एच्च बी स्यंदना स्थापित भाईष्य विशाखाप्तनम अराकू इन मध्य रेलयानम सिंहाचल कोट्टावलासा श्रृंगरपुकोटा बोरागुहालू चेत्रेषु स्थ्यती इत रेल विभाग ग्राहकाय सर्वसंभव उपायान करोति। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अदयंगलोंगजनपद ग्रामे से पूर्वीय सिटी कॉन्वेंशन सेंटर इत्यस्मिन, रानी गैदिन गैदि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सेनासंग्रहाल स्थापनाय आधारशिला स्थयिष्य कार्यक्रम दृश्यश्रव्यमें सहभाग भजिष्य मणिपुर से मुख्यमंत्री नोंग थोम्बम वीरेन सिंह केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा अथ अने गणमाथिता एषा परियोजना भारत प्रशासन जनजातीय कार्यमंत्रालयद्वारा पञ्चदश कोटी मुद्रायाः अनुमानित व्ययेन स्वीकृतः अस्ति राज्यस्य मन्त्री मण्डलेन लुवांगकाओ ग्रामे संग्रहालयस्य स्थापनार्थं निर्णयः গৃহীতः आसीत् यद्यपि प्रसिद्धायाः स्वतन्त्रता सेनान्याः राग्गे गेडिन गैडि... नलयु इत्यस्य जन्मस्थानं अस्ति अपि च संग्रहालयस्य नाम रानी गेरी आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी संग्रहालय भविष्यति इत्यपि निर्णयः विहितः अवधेयस्त मणिपुरे पर्यटन क्षेत्र भूरी संभावना अतः अनया परियोजनाया राज्य सामाजिक आर्थिक सामिकस पर्यटन विसच सुदृढ़ भविष्य भारतीय जनता पार्टी दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अदय प्रभृति दिवस उत्तर प्रदेश स्थाती अत्रांतरे जे पी नड्डा गोरखपुर कानपुर कार्यकर्त सम्मेलनानि सलना संबोधय अच्छी कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय से उद्घाटन दृश्य श्रव्य कार्यालश्रव्यम उद्घाटन क्यों दलाध्यक्ष अद मध्या ने गोरक्षनाथ मंदिरे पूजा अर्चना करिष्यती तत्रेव सायं त्रीवादने गोरखपुरे बूथ अध्यक्ष सम्मेलनम् संबोधिष्यती सायं सार्धचतुर्वादने गोरखपुर विमान निकषा निक्षा वनटंगिया ही वन टंगिया परिवारही ही समम् संबादम् करिष्यती अनंतरम् नड्डाया हा लखनऊ नगरे दलस्या राज्य मुख्यालये गमनस राजस्थाने अशोक गहलोत प्रशासन से मंत्रिमंडल परिवर्तन पंचदश नूतन मंत्रिण शपथ गृहवतंत राज्यपाल कलराज मिश्रद विधायका मंत्रिमंडल मंत्री, मंत्री चर विधायम पद गोपनीयताश्राविता शपथग्रहणसमह गतने राजभवने मध्यान्हय अत्र षड विधायका प्रथम तबत मंत्रिवे चिता अवधेय ये विद्रोही व्यवहारकारणेन मंत्रिमंडला निष्कात तो विश्वेन्द्र सिंह रमेश मीणा मंत्रिमंडल मंत्रीपंभाष्यत राज्यमंत्रि टीकाराम जूली ममता भूपेश अथ भजनलाल जाटव मंत्रिमंडल मंत्री, मंत्री प्रतिज्ञाव ध्येय ये गहलोत प्रशासनम अग्रिम मसे स्वीय त्रिवर्षात्मक कार्यकाल संपूर गुजरात अदय प्रभृति कक्षा एक पंचमी पर्यत विद्यालया पुनः उद्घाटिष्य राज्य प्रशासन आदेशनुसार छात्र अभिभावक सहमति स्वीकृत विद्यालय आगमिष्यन्ति। बालकान संरक्षितम कोरोना नियमानाम पालनम अनिवार्यम अस्ति विद्यालयेषु मुखावरणम हस्त प्रक्षालकम सामाजिक दूरतादि नियमाः अनिवार्यतया पालयिष्यन्ते गोवायाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोहेण चलचित्र प्रेमिभ्यः एकः मंचः उपलब्धः अस्ति ये अशेषजगत चलचि समग्र सूच सूचना अभिज्ञा शक्व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्रोत्सव अवसरे भारतीय पैनोरमा चलचिप्रदर्शन उद्घाटन करतवा अस्े भारतीय चलचिसमूहशश्रेण्या अंतर्गत आधकारिपेण चतुर्वशति कथावृत्तचिरा अथ विंशति वृत्ते चलचि प्रदर्शनाय चितानि स चलचित्रेषु संपूर्ण भारते निर्मितानि उत्कृष्ट समावेशितानि अस्मिन् अवसरे श्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तवा ये उचित विषय वस्तु भारतीयं जगत वैश्विक दर्शकेभ्यः आकर्षकं भवितुं शक्नोति। तेन कथितं यत् भारते प्रतिभा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित न नास्ति अल्पता ते अत्र चलचित्र निर्माणाय उत्कृष्ट मंच प्रदाने सक्ष सक्ष चलचित्र निर्माने रंगमंच से पृष्ठत महत्वपूर्ण योगदान कुरत जनान सनाह सी श्री ठाकुर भारत भारते चलचित्र निर्माणाय अंतराष्ट्रीय चलचित्र निर्माता आमंत्रित फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का काम ही ये है कि दुनिया भर के या देश के कोई भी फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हो फिल्म शूट करना चाहते हो उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस देकर राज्यों की सरकारों से बातचीत करके भी उनके लिए बड़ा सरल और सहज तरीके से वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं ताकि उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और सही समय पर अच्छा काम करें उनकी चुनौतियों को कम करने का काम का का किया है हैंड होल्ड करने का काम का किया है ताकि उनके हम कुछ मदद कर सके उनको राहत दे सके फिल्मोत्सव अवसरे कार्यक्रम पंच सप्तति क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो इति प्रतियोगिता आयोजन महत्वपूर्ण अवर्तत अत्र अशेष देशत पंच सप्तति प्रतिभाशालीन सिनेमा इति चलचित्रस्य विद्यार्थिनः भाग गृहतव सूचना प्रसारण मंत्रि प्रतिभा तेनो ये विशिष्ट प्रतिभा चयन वरिष्ठ सूह कृतमस्त आंध्र प्रदेश अनारतम अनातम जाजायते जाये रायल सीमा क्षेत्र आपदा कारणेन सर्वाधिकक दुष्प्रभावित अस्त चित्तूर कड़पा जनपद्या महत्षते सूचना सामगता अस्त द्वयोऽहो जनपदयोऽहो आहत्य प्रायः पञ्चविंशति जनाह कालकवलिताह अभुवन। अपर कड़पा जनपदे जिले पापाग्नी नद्याम निर्मितः पञ्चचत्वारिंशत वर्ष पुरातनः सेतुहु ध्वन्सितः येन कड़पा ताड़ीपत्री थलम अनंतपुरेन संयुज्यमानी तत्र सेताहु यातायातः अवरुधः संजातः राजधान्यां दिल्ल वायु प्रदूषण स्थित चिंताकुलास्ती प्रशासन प्रदूषणे निंत्रणम उद्द्य प्राशासन कार्यालम पिधानवधि वर्धित सांप्रत नवंबर षड्वश दिनाक यावत् कार्यालय पिहता स्थाती आवश्यक कार्यालयान विहाय सर्वे प्रशासनिक कार्याल भविष्य निर्णय विहत अस्त भारतन विंशति प्रतिशति क्षेपचक्रीए तृतीय अंतिम चंद न्यूजीलैंड दल सप्तति धावनाक पराजित इततीय क्रिकेट श्रृंखला भी जिता भारतीय दलेन प्रथम न्यूजीलैंड दल भारतभूम विंशति प्रतिशति श्रृंखलाया पराभूत अस्त स्पर्धा दलनायक है, रोहित शर्मा अथ भारतीय दलस्य नवह नव प्रशिक्षक राहुल द्रवि अस्याम अं भारत विंशति क्षेपचक्रेशू चतरशीरशतना अर्जिता हा, आसन तत्रैव न्यूजीलैंड धावनांका एव शचिता सर्वे क्रीडका पराजय मुखम प्राप्त अवधेय भारती ये भारतीय समूहस्य से विंशति प्रतिशति अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धायां एषः अनुक्रमः षष्ठः जयः अस्ति एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना संपद्यते अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः तावत् मंगलं भूयात्